ਪਾਪ ਸੁੱਤੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋਉ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। रोड़े नूं कदे कोई ठोकर मारदा है कदे कोई ठोकर मारदा है। संत दी डेफिनेशन की है? हु इज़ द सेंट? उहदे गुण की ने, उहदे च निमरता कैसी है? गुरु अर्जन साहब कहिंदे ने होए रहे सब की पग शार। ध्यान दिओ, कबीर जी ने रोड़े वल तकिया ते इक ने ठोकर मारी लंघदे राही ने, वह रोड़ा रस्ते दे दूजे बन्ने डिग पिया। उधरों एक लंघदे ने ठोकर मारी ते वह इधर डिग पिया। ते सह सुभा कबीर जी दे अल्फाज जेड़े ने जो बाणी दे रूप विच दर्ज ने, कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान। कहिंदा जे रब नूं खुश करना ही ते रोड़े वर्गा बन जा, रोड़े दी निम्रता देख तू अति निम्र है। ते जेदे विच रोड़े वर्गी निम्रता होवे, रोड़े वर्गा निवाण होवे, ए उदाहरण वजों रहना है। वो रोड़ा संत नहीं हुंदा, वो ते जड़ है। आखन लगे ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, खुदा उसनूं मिलदा है जिहदा सुभा कहिंदे रोड़े वर्गा। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। रोड़े वर्गा बन जा, मालक ठोकर भी मारे ते गिला कोई नहीं है, दुख भी देवे ते गिला कोई नहीं है, सुख भी देवे ते शुकराना ही सदा है। ये कबीर जी दे बोल ने, कहिंदा ये गुण धारना है। मन करके नीवा हो जा, तन करके ते मत्था आपां टेकदे आ, इह वेख्या ही है। जिहड़े मन करके नीवे हो गए, निम्रता विच आ गए, सारिआं नाल प्रेम करन लग पए, ते किसे ने माड़े चंगे कबोल बोल के तन नूं मन नूं ठोकर शब्दां दी मार भी दित्ती ते गिला कोई नहीं है। बख्शिंद जिहा सुभा, माफ करन वाला भाई कन्हैये वर्गा सुभा, महापुरश बाबा साहिब सिंह बेदी गुरु नानक साहिब दी पवित्र ते पाक कुल विचों। याद रखियो, गुरु नानक साहिब दे लखते जिगर सन, बिछू रुड़िया जांदा है पानी विच ते कढ के सुट्टन लगे ते बिछू ने डंग मार दिता। किस्मा ने, कोई बहुता जहरीला है कोई घट जहरीला है, उन्हें डंग मार दिता। दर्द ते होया, प्रसाद जर जांदा है, वो डंग वजदे डिग पिया ते फिर कढ़न लगे ते उन्हें फिर डंग मारिया। जदों तीजी बार कढ़न लगे तो एक नाल सेवक सी, वह कहिंदा भी हे बाबा साहिब सिंह जी, ये जहरीला है, ईरखालू है, जहर दा भरिया है, इन्हें सुभा नहीं बदलना, इन्हें डंग मारना नहीं छड़ना। बाबा साहिब सिंह बेदी कहिंदे मैं भी गुरु नानक दा सिख हाँ, जे इन्हें जहर वाला पन ना छड़िया, जहरीला पन ना छड़िया, हंकार ना छड़िया, दुख देना ना छड़िया, ते मैं भी परोपकार करना नहीं छड़ना। ये संत दी अवस्था, कोई दुख भी देवे ते सुख देण दा जतन करना। ते तीजी बार कढ़ के ते बिछू पानी चो बाहर सुट दिता। असी नहीं बन सकते, सानू मारेगा डंग। चार गिठा डूंगा छड़ के आवांगे भी ये डुबना चाहिदा है, दुख दिता है सानू। संत रुख वर्गा है, कई बार वटा भी मारीए फल दिंदा है, अगों रोड़े नहीं मारदा। संत दा सुभा है, इत्थे निरी संत दी गल है। ते जेड़ा संत ते ज़्यादा जुल्म करे वह विशा वखरा है, भी वह संत फिर तलवार लैके सिपाही भी बन जाता है। जे हुकमरान ज़्यादा अहंकार दे नशे विच चूर हो के सतपुरश दे धर्म दी सतपुरश दी निरादरी करन, फिर तलवार भी चुकदा है। पर
दुनिया दे विच संगती रूप विच उहदा विचरण ऐसा है, वह भला ही करता है हमेशा। डंग मारन वालियां नूं भी परोपकार की नज़र नाल वेंदा है। दीन दुनिया के मल साहब कहिंदे भी साध रोड़े वर्गा होना चाहिदा है। हरेक कबीर जी ने बोल कढ़ी सन भी की वेख्या, रोड़े नूं इक ने ठोकर मारी ते उधर गया, दूसरे बन्ने दी एक नंगे पैरी चलदा राही नंगे पिया ते उहदे पैर विच रोड़ा चुभिया, रोड़े ने उसनू दुख दिता। ते कबीर जी सह सुभाग कहिंदे नहीं, रोड़े विच भी उन्नी निम्रता नहीं है जिनी साध विच चाहीदी है। किसे दे पैरी जोड़ा सी ठोकर जर लई, तकड़े तो ठोकर जर लई, ते जे गरीब गुरगा नंगे पैरी आया ते उहनू ढा लिया, उहनू दुख दिता, नहीं साध इदां दा नहीं चाहीदा। उहदे बलबले ने मंदे कबीर, रोड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी कहो दुख दे। कबीर, रोड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी कहो दुख दे। ठीक है, रोड़े विच निम्रता है, पर नंगे पैरी कोई राही आवे उन्हूं दुख दे दिंदा है। संत इदां दा नहीं है। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी मह, साध ते कहिंदे मिट्टी वर्गा है। मिट्टी नूं कादा माण है, कदमां तले रहिंदी है। कहिंदा साध ते मिट्टी वर्गा है, भावें तकड़ा होवे भावें माड़ा होवे भावें तनाड होवे भावें संत होवे पुन्नी होवे पापी होवे, सनेमर एडा है भी हर एक दे कदमां तले ही रहिंदा है। रोड़े वांगू नहीं भी तनाड़ तो ठोकर खा ली, जोड़ा पाया सी गरीब दे पैरी जोड़ा नहीं उन्हू दुख दे दिता, रोड़े वर्गा नहीं। बाबा कबीर जी महापुरश आखन लगे, संत खे वर्गा मिट्टी वर्गा, सारियां दे कदमां तले रहिंदी है, सारियां दे सनमुख सनिमर रहिंदी है। जे गुण धारना है ते तू मिट्टी वाला धार लै भी सदा कदमां तले लैना, नीवे होके रहना। हजे विचार प्रगट होया ही सी, एक होर वलवला उठिया भी हनेरी आई, मिट्टी उड्डी ते उड के राह जांदे दियां अखां विच पै गई। ते कबीर जी सह सुभाग कहिंदे भी नहीं, खे जिहड़ी खे है ना। कबीर जी कहिंदे नहीं, कबीर खे हुई तो क्या भया, खे हुई तो क्या भया, जाओ उड लागे अंग। आखन लगे हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी, सरबंग कहिंदे नहीं, खे भी नहीं मिट्टी भी नहीं, हनेरी आउंदी है ते अखां विच पैंदी है, खे भी नहीं बनना। कबीर जी आखन लगे टैंपरेरी निम्रता है, टैंपरेरी निमानता है, निम्रता है। कोई दौलतमंद कोई ताकतवर वेखिया ते कदमां तले झुक जाना, वक्ती तौर ते झुक जाना, कुछ समय लई झुक जाना, ते कोई गरीब गरबा आ गया ते उहदे ते जोरा जबरी करनी, तका जोरी करनी, मौका वेख के किसे दे अंगा नूं लगना, उठ के अखां विच पैना, किसे नूं दुख देना नहीं। कहिंदा खे वाली भी खेड ठीक नहीं है, खे वाला भी कहिंदे गुण ठीक नहीं है। गरीब दे उठ के सिर नूं पैना, टुट के पैना, कई हुंदे ने। एक साध ने ना नां रखा लिया शांति दास, ते आ महीना आ हाड़ दा महीना, जून जुलाई दा समा, विखावा बड़ा है, ते विखावे नूं वेख के लोग प्रभावित भी हो जांदे ने। टैंपरेरी निम्रता की हुंदी है, ध्यान दिओ, लोड़ पई ते चुक गए, जोर चलिया ते किसे दे सिर ते चढ़ गए, लोड़ पई ते हाथ जोड़ी गए, बड़ी निम्रता है जी, ते समा मिलिया ते अगले नूं ठोकरा मारन लग पए, इदां नहीं। ओ साध ने ना शांति दास रखिया, दे कपड़े ला के ना
उधरों हाड़ का महीना जेठ हाड़ का महीना तो धूनिया 12-13 तालियां घेरे घेरे तो पिंड रौला पै गया भी निरा ही रब साढ़े पिंड से निरा ही रब आ गया। वो किसी ने पूछा क्यों कहिंदे भी इन्नी अत की गर्मी बस्तर उसके लाए ने लंगोट वो तेड़ है तन दे उत्ते सूरज की तपश पैंदी है साध फिर भी ठंडे का ठंडा फिर भी चौंकड़ा नहीं खोलता इत्थे ही बस नहीं उन्हें 12 धूनिया होर भी नाल बालिया ने 12-13 अग दियां धूनिया होर भी बालिया ने एडा ठंडा जे भी उन्हूं अग भी तत्या नहीं कर सकती तो रौला पै गया वह एक हाड़ की गर्मी उत्तों 12-13 धूनिया लाने वाला साह देते निराई रब बीबिया फिर कट्ठियां हो ही जांदियां चंगे टोकरे टाकरे फलां दे लै के साह दे घिरे घिरे आके बह गई जेड़ी आवे वो डब्बा केलिया का रख दे कोई सेबा का रख दे साध ना चुक चुक के मारे डब्बिया तो एक बीबी आती नहीं निरा ही रब है तो खाँदा भी कुछ नहीं है नाम दे आसरे ही रहिंदा है हीरे बहुत ने इत्थे कच की गल कर लगा मैं ये नहीं भी सारे ही इदां दे हुंदे ने इत्थे बड़े ने नाम चों रस लैण वाले इत्थे बड़े ने छे छे सत सत महीने कलगीधर पातशाह ना रह के पत्ते खा के नाम रस विच डुब के गुजारा करके मुगलां ना जंग लड़न वाले इत्थे मौजूद ने कई दिन भुखे भाणे बाबा जरनैल सिंह वर्गे भारत वर्ष की फौज ना मछा लाउण वाले मौजूद ने इत्थे पक्ष ये रखण की कोशिश कर रहा है दास भी ना शांति दास लिबास संत दा भी बड़ा ठंडा साह दा असल संत सदीवी निम्रता विच टैंपरेरी है विखावे मात्र सी उन्हें चौके फड़फुल परां कर दिते ते निरा ही रब एक महापुरश उस पिंड विच रहिंदा सी जेड़ा सुखमणी पढ़दा ते सुणदा सी ते पढ़ाउंदा सी गुरु नानक निरंकारी पातशाह दा सिख उन्हों लोग कहिंदे भी तेरे कोल की है कख भी नहीं बड़ियां नूं सुखमणी सिखा दित्ती पढ़न ला दिता है पर तेरे कोल वो बरकतां नहीं निरा ही रब आया ही साढ़े पिंड में तू कहदा साध है तेनू साध विखाइए वो महापुरश चल पिया वो जदों चल के कोल पहुंचया ते 12 धूनिया लगियां वेखियां धूआं उड़दा अग वरदी है हाड़ दा महीना ते बाबा आखण लगा सुखमणी पढ़न वाला महापुरश कहिंदा भी वाकया ही रब है वाकया ही रब मैं अज ही रब इस नूं मन लैंदा पर जे किते एक औगण ना इहदे विच हुंदा ते उह जिहड़ा मेरे वर्गा धूनिया ला के बैठा सी ना जदों कन्नां विच अहंकार ते चोट कीती इस बोल ने भी किते एक औगण ना हुंदा ते थोड़ा जिहा अंदरों उबाला खाधा गुस्से विच आया भी यह टके दा साध नहीं हूँ पाटे पुराने दे कपड़े मैनू दुनिया रब मानदी है मेरे चौगण लभन दिया थोड़ा जिहा तुखिया है थोड़ा जिहा वो पहली फूक मारी इहदे कोले तुखदे ने ना थोड़ा जिहा तुखिया अहंकार ते चोट लगी ते जदों दूजी वार किया ते वो कोला थोड़ा जिहा बल पिया आंदा हद हो गई घर मैं छड़ता घर वाली मैं छड़ती न्याणे मैं छड़ दिते रोटी मैं छड़ दिती वस्त्र मैं पौने छड़ दिते धूनिया ताके मैं बैठा दे हजे भी मेरे विच उगण मैं निरा रब। अच्छा घरवाली की छड़ दिती है वह 13-14 जिहड़ियां बीबियां फलां दे टोकरे लैके बैठियां एक छड़ के 13-14 तेरे कोल बैठियां ये की घरवाली छड़ दिती है बुरी नज़र नाल वेख रहा है की घरवाली छड़ दिती है ये लोगों के सामने ते तू रोटी की बुरकी नहीं तोड़े ते रात नूं इहदे वर्गे कुकड़ दे बोतल लई फिरदे हुंदे विखावा है लोगों लई विखावा है भी वाकया ही नाम रस विच जीण वाला वाकया ही स्त्री का त्याग कर दिता ते घरवाली छड्डिया ये दावा कोई नहीं है भी रब मिलता है
जे घरवाली छड़िया रब मिलता है, जे घरवाली याद रखियो नरकां दा दरवाजा खोलती है, दरगाह विच वासा नहीं मिल सकता जेड़ा गृहस्थी है। तो फिर एक दिन ना गुरु अर्जन साहब के दर ते भगत आए भी साड़ी कविता दर्ज करो गुरु ग्रंथ साहब विच। ते महाराज कहिंदे दसो, उन्हें एक बचन कहा, एक कवि ने आपू बने भगत ने संत ने एक बचन कहा उत्थे, वो कहिंदा कागद संधि पुत्री तो भी त्रिया ना निहार, यही मार लै जावई जथा बिलोचन धार। कहिंदा व्याह नहीं कराउणा, घरवाली इस्त्री बीबी दे वल वेख लैणा ही नरकां विच लै जांदा, वो कहिंदा। महाराज कहिंदे अगे ना बोली, गुरबाणी जो कसवटी है ये तेरे बोल पूरे नहीं उतरदे, लंगर छको दे घर नूं जाओ। महाराज कहिंदे क्यों जी? कहिंदा इहदे च की औगण है, क्यों कसवटी ते खरी नहीं है? ते बादशाह कहिंदे सो क्यों मंदा आखीऐ जित जम्मै राजान, डूंघाई समझियो। महाराज कहिंदे तू भी तो स्त्री तो पैदा होया, तेरे घर भी माता है, तेरी भैन भी मौजूद है, तू कहना है स्त्री वल तकिया नरकां नूं जाईदा, इत्थे ही नहीं टलिया। कागद संधि पुत्री तो भी त्रिया ना निहार, कहिंदा कागज दे उत्ते स्त्री दी मूर्त भी बनी होवे ते फिर भी स्त्री दी मूर्त वल वेख लवे ते नरकां नूं जावेगा। गुरु साहब कहिंदे कदे मां दे मथे लगा है, कदे भैन दे मथे लगा है? कहिंदा बिल्कुल, उहदे घर विच रहिंदे ने। कहिंदे उदों नहीं ख्याल आया भी मां दे मथे लगिया भैन दे मथे लगिया नरकां दा दरवाजा खुलेगा। जे वाकया ही स्त्री नरक दा दरवाजा खोलदी है ते फिर प्रभु दी बनाई ये सुंदर सृष्टि किसे होर रस्ते पैदा हो जांदी, स्त्री राही पैदा ही ना करदा। इत्थे कोई संत है, कोई साकत है, कोई राजा है, वजीर है, इस्त्री दा वजूद ना आवे ते तुहाडा साडा वजूद कादा है इत्थे? ये कहिंदा मैं छड़ दित्ती घरवाली, आ 13-14 टोकरे लै के फलां दे बैठियां ने, नदर ते अज भी मैली है। उन्हां नूं लगदा होवेगा बीबियां नूं भी संत पूरा है, नदर ते दी फिर भी मैली है। की गरंटी है घरवाली छड़ के नदर साफ हो गई होवे? काम ते फिर भी अंदर है। कहिंदा मैनू औगणा नाल भरिया दसे, आ लोक बैठे आ बीबियां, आ बंदे बैठे फलां दे टोकरे लै के, रब रब होई पई है पिंड विच ते आखे भी जे आ उगण ना हुंदा ते निराई रब। एक बचन कीता माड़ी जी फूक की वजी तुखिया, दूजी फूक की वजी दूजा बचन की कीता बल पिया, ते जदों फिर सुखमणी पढ़न वाले साध ने तीजी बार आख्या ना किते एक उगण ना हुंदा ते साध निराई रब। जिहड़ियां धूणियां बलदियां सी ना उन्हां चों एक बलदी हुई लकड़ लई चुक, जिहदा नां सी शांति दास, जिहड़ा बैठा सी चौंकड़ा ला के, रब वर्गा ठंडा समुंदर वर्गा शांत खवाउंदा सी ना शांति दास है, लै के लकड़ बलदी हुई लकड़ ते सुखमणी पढ़न वाले दे पिछे पिछे, ते ओह साध अगे अगे, ते सुखमणी पढ़न वाला महापुरश बचन करदा जावे संगतां विच, कहिंदा लोको लिबास हीरे दा है विचों कच निकलिया है, नाम शांति दास रखिया है विचों, ते भांबड़ दास है टैंपरेरी विखावे दी निम्रता है। असल विच जे वाकया ही मन करके सनिमर हुंदा ते फूक मारिया अहंकार ते चोट ना हुंदी, ते निंदा कीतिया अज ये भांबड़ वांगू बल ना उठदा। साध जरदा है, जेड़ा जर गया साध ओह है। सानू ते माड़ा जिहा कोई बचन कह दवे ते दिल करदा है भी इहदा सिर पाड़ दईए, ये साध नहीं हुंदा। साध ओह है जिन्हें मन नूं साध लिया सी, ओहदी उस्तत करो ओहदी निंदा करो, असर ही कोई नहीं है ओहदे उत्ते। कबीर जी कहिंदे ना टैंपरेरी निम्रता है मिट्टी विच, विखावा करना है ते पैरां थले मौका मिलिया उड के सिरां विच पैंदी है, बल्ले बल्ले कराउणी है ते शांति दास बणिया बैठा है,
किसी ने आके चोट कर दिती अहंकार ते आगदा भांबड़ बन गया है। ये संत नहीं है, विखावा है, वक्ती तौर ते चुकया है, विखावे मात्र चुकया है। कबीर खेह हुई तो क्या भया, जौ उड लागे अंग जेड़ी कदमा तले सी, माड़ी जी हनेर गर्दी की आई ते सिर ते पैंदी है। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग, संत दे ओ है जेड़ा पानी वर्गा, ते पानी सदा ही निवाण नू चलता है। जिड्डा चाहे उच्चा झरना होवे ना, पानी कदे तां नू नहीं चलता। जिड्डा मर्जी संत होवे, जिन्नी चाहे उसकी उच्ची अवस्था होवे, उच्चों उच्ची उड़ारी होवे, लंबेरा चौंकड़ा होवे, अवस्था होवे, वो सदा ही निम्रता विच रहिंदा है, निवाण विच रहिंदा है। जिन्ना भी उच्चा उठ जावे पानी थले ही जांदा है। अच्छा उहदा सुभाव वेखो, चार लकड़ां लै के किसे ने पानी नू उबालिया, सुल्तान उल कौम देग विच पा के किसे ने पानी नू उबालिया। वो जेड़ी अग उबाल रही सी ना पानी नू, पानी दा सुभाव एडा कोमल है भी जदों उबलदा होया पानी जेड़ी अग उसनू जलाउंदी सी उहदे ते डुल्लिया ते वह अग नू भी शांत कर दिता पानी ने। संत होवे ते पानी वर्गा, संत होवे ते पानी वर्गा, बलदी अग नू शांत करन वाला। ईरखा विच चिंता विच तपदे हुए कलेजिआं नू ठारन वाला। हजे देख ही रहे सन कबीर जी, पानी दे गुण गा रहे सन भी जे साध बनना है ते पानी वर्गा हो जा। की नदरी पै गया एक ललारी ने ना, कपड़े रंगण वाले ललारी ने पानी उबालिया, अग दे स्पर्श विच पानी उबालिया ते उहदे विच रंग पा दिता। जदों रंग पाया हरिया पाया ते हरिया हो गया, लाल पाया ते लाल हो गया, काला पाया ते काला हो गया, कोलिया ते रखिया ते तत्ता हो गया, सुमेर पर्बत ते पहुंचदा है ते ठंडा हो गया। कबीर जी कहिंदे नहीं, कहिंदे संत ऐसा भी नहीं चाहिदा। हद है निम्रता दी जिहड़ी कबीर जी ने दर्शा दित्ती है। ये कहिंदे नहीं पानी पानी विच भी वह गल नहीं है जिहड़ी संत विच होनी चाहीदी है। निवाण नू ते बड़ा तुरदा है, अग ते बड़ी बुझाउंदा है, पर कबीर जी कहिंदे सानू ये नहीं पाया भी सर्दी होई ते जम गया, गर्मी होई ते तत्ता हो गया, उबाले खाण लग पिया। जेड़े रंग विच अभेद होया जैसा देश वैसा भेस हो गया, संत इदां दा नहीं है। कबीर पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता होए, पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहिंदे नहीं पानी च भी अवगण है, पानी नाल भी गल नहीं बनदी, पानी भी रंग बदलता है। साध का स्टैंड एक ही होंदा है, मन साचा मुख साचा सोए। पानी भी स्टैंड छड़ जाता है, गर्मी हुई ते गर्म हो गया, ठंड हुई ते ठंडा। साध की अवस्था, साध का टिका एक रस है, सुख होवे दुख होवे वो एक रस विच ही रहिंदा है, सुख होवे दुख होवे वो एक रस विच रहिंदा है। संत की अवस्था मन साचा मुख साचा सोए, हमू मर्द बायत शवद सुखन वरना, शिकमे देगर दर्द हाने देगर। कलगी तर कहिंदे साधो मर्दो महापुरशो, मन साचा मुख साचा सोए, अंदरों बारों इको जिहा, गमी खुशी विच इको जिहा, भीड़ पई है खुशियां खेड़े ने इको जिहा, वो है संत। फिर महापुरशां एक निर्णा कीता भी संत ते असल ओ है जेड़ा रब वर्गा ही होवे। जदों समुंदर विच छल्ला मिल जान, राम कबीरा एक बाए हैं कोय ना सकै पछानी, ते सत पुरशां एक निर्णा कीता भी वेखो तिन्ना कोलों एक एक गुण सिख लेना चाहिए। अरोड़े कोलों
ठोकर सहारन की जाच सीख लेनी चाहिए है, क्योंकि जो भी है खुशियां ने खेड़े ने जा ठोकर ने जो मैं किया सो मैं पाया है साड़ी अपनी करनी है। ये प्रभु का गुरु साहब का रब का कोई दोष नहीं है। तिना को एक एक गुण लेना है असं रोड़े को ठोकर सहारन की जाच सीख लै रोड़े पासों ठोकर सहारन की जाच सीख लै मिट्टी दे कोलों चरणा विच झुकना निम्रता वाला गुण सीख लै ते पानी कोलों ए सीख लै भी जिन्ना चाहे उच्चा उठ जावे चुबारियां दा मालक बन जावे पर तू मिठा बोलना ते निम्रता कदे नहीं छड़नी। पता नहीं हुंदा भी कदों ए बैठे हुए चुबारियां वाले कुली जोगे रह जाण, ये पता कोई नहीं है। रावण कहिंदा कवाउंदा संत सी ज्ञानी सी वड़ियाई सी जिती बैठा है सब नू माड़ा जिहा हालात की बने काम विच की तिलकिया अज तक रावण नू लानता ने चुबारियां वाले भी कुलियां ते डिगदे वेखे ने। जिड्डा चाहे उच्चा चलिया जावे समय का पता नहीं कहिंदे निवाण वल चलना सिखला नीवे होके चलना सिखला। चंदू ने किते दावा कीता सी गुरु अर्जन साहब कहिंदे ओ चंदू चुबारियां दा माण हमको मोरी सरस उचारा मोरी मेल सो मोरी धारा मिल है चुबारे संग चुबारा। अपने आप नू चुबारियां दा मालक ते गुरु नानक दे घर नू कुली ते मोरी आखे समय का पता नहीं कदों कुली जोगा ही रह जावे। इतिहास गवाह है नथ पा के महिला दे मालक चंदू नू गुरु हरगोबिंद साहब दे सिखां ने गलियां विच धू के सजा दित्ती सी। हालात पता नहीं कदों बदल जाण रावण दी लंका पता नहीं कदों सड़ जावे। कहिंदे उच्चा होवेगा ठीक है निवाण वल चलना सिखला निम्रता विच रिहा कर रोड़े कोलों ठोकरा सहारनियां सिखला मिट्टी दे कोलों चरना दे विच गिरना सीख लै भाव के सनिमर होना सीख लै झुकना सीख लै। ते तीसरा कहिंदे पानी मंगू निवाण वाली चलिया कर। ये तीन गुण तेरे विच आ गए कबीर पानी हुआ ता क्या भया सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी दा जन ऐसा है जेदे विच अत दी निर्माणता है पानी मंगू निवाण नू चलदा है जेड़ा सदा चरना दी धूड़ होके सनिमर जीवन बतीत करदा है उसनू संत कहिंदे ने उसनू साधु कहिंदे ने उसनू महापुरश कहा जांदा है। और ऐसे महापुरश दी शान दे विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ए बोल कहिंदे ने आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आधार होए रहे सबकी पगशार। साधु निम्रता विच रहिंदे ने साधु चरणा दी धूड़ होके रहिंदे ने साधु निर्माण विच रहिंदे ने ते जेदे विच ऐसी अत दी निम्रता है उन्हूं कहा है आपस कौ जो जाने नीचा सौ गनिया सब ते उच्चा मित्र सत्र जाके एक समान है प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। मित्र ते शत्रु नू एक समझदा है एक समान समझदा है प्रभु तो लैदा होर किसे ते अकीदा नहीं रखदा। सब तो वड्डा लक्षण साध दा की है सूरबीर बचन के बली कौला बपरी संती शली संत बचन दा बली है। फिर पढ़ दियो मन साचा मुख साचा सोए हाहू मर्द बायद शवद सुख नवर ना शिकमे देगर दर दा हाने देगर। साधो है संतो है जो जबान ते है ढिड विच होवे जो ढिड विच है जबान ते होवे नहीं भी ढिड विच कुछ होर ते जबान ते कुछ होर वो संत नहीं है। अज बयान होर ने कल नू बदल जानो संत नहीं है। सूर बीर बचन के बली ये संत दे लक्षण ने संत दे गुण ने दे आर वैलियंट एंड द मैन ऑफ वर्ड जो कहिंदे ने सिर लैंदा लै जावे पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत सिर लैंदा रह जावे ओ नहीं डोलदे।
माया ने सानू पिछे लाया है, साधा ने माया पिछे लाई हुंदी है। कौला बपरी संती छली, साधुआं दे अधीन है माया, निमाणी बन के उन्हां दे चरणां विच रहिंदी है। संत दे जेड़े लक्षण ने ए अवस्था किनू हासिल हुंदी है, कहिंदे रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं देहे धारण है। जेड़े सदा ही गुरु नानक निरंकारी का नाम जपते ने, नाम सुनते ने, नाम का ध्यान धरते ने, चौंकड़ा लाते ने, और बाणी पढ़द्या पढ़द्या एक दिन ऐसा चस्का पै गया, अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संतना तृप्यते। ऐसा चस्का पै गया बाणी पढ़द्या पढ़द्या, जिवें जुआ खेड़द्या खेड़द्या दो चार दिन जुआ खेडो तो जुआरी बनेगा। अज दिल कढ़िया चोरी कर ली, हुण टलेगा नहीं चोर बनेगा। इसे तरह जेड़ा साध है संत है, जेड़ी संत की अवस्था है, महापुरश की जेड़ी अवस्था है, वो बाणी पढ़न लग पिया, चौंकड़ा लाउन लग पिया, एक दिन वो अवस्था मिल गई, हुण बाणी तो बिना रह नहीं सकता। बाबा बंता सिंह जी की कथा श्रवण करने लिए आप जी साढ़े फेसबुक पेज सिखलोजी कथा कीर्तन अपडेट्स नूं लाइक करके फॉलोइंग से बटन दबा के सी फर्स्ट ते क्लिक करो, अते आप जी साढ़े यूट्यूब चैनल सिखलोजी नूं सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबाओ जी।